दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कावरी जेट इंजन के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अभी इंडीजस फ़ाइटर जेट प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस कर रही है और हम एक स्वदेशी फ़ाइटर जेट को पूरी तरह स्वदेशी तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे पास एक स्वदेशी जेट इंजन ना हो अभी तक जो प्लान है उसमें अगले कुछ सालों में हमारे इंडीनियर फोर्स तीन के करीब इंडिजनस फाइटर जेट्स को इंडक्ट करने वाली है जिनके लिए हमें इंजन्स की ज़रूरत है और इन इंजन्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक फ़ाइटर जेट की पूरी लाइफ में उसे तीन से चार इंजन्स की ज़रूरत पड़ती है तो अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो हमारे देश को अगले कुछ सालों में एक हज़ार से ज़्यादा इंजन्स की ज़रूरत होगी और अगर हमारा देश ऐसे इंजन्स को खुद डिवेलप नहीं कर पाता है तो हमें इतने सभी इंजन्स को बाहर से खरीदना पड़ेगा इस यही कारण है कि ये फ़ाइटर जेट इंजन हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए इस फाइटर जेट इंजन के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश ने एक कावरी इंजन प्रोजेक्ट शुरू किया था कावरी इंजन के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे इसके बारे में बहुत बार बात भी की गई है और हमने भी इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं ये इंजन हमारे तेजस फाइटर जेट के लिए बनाया गया था लेकिन ये अपने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को मीट नहीं कर पाया था ये एक लो बाईपास रेशियो आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन होने वाला था जिसमें सिक्स स्टेज कोर हाई प्रेशर कंप्रेशर होने वाला था और एक थ्री स्टेज लो प्रेशर कंप्रेशर होने वाला था जी ने ऐसा प्लान किया था कि वो तेजस एक क्राफ्ट को इस इंजन के साथ फिट कर पाएंगे और उसके साथ ही वो इस इंजन के साथ एक मल्टी एक्सिस थ्रस्ट वैक्टरिंग नोजल के साथ फिट करने वाले थे जिससे तेजस एक क्राफ्ट की मनोवेबिलिटी भी काफ़ी इंप्रूव होने वाली थी इस इंजन के कोर का नाम काबिन रखा गया था यह इंजन हमारी भारतीय ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया था ये हमारे गर्म डेजर्ट्स में भी काम कर सकता था और हमारी बहुत ठंडी माउंटेन रेंजेस में भी काम कर सकता था यानी कि यह गर्म और ठंडे दोनों मौसम्स में काम कर सकता था जी टी आर ने ऐसा प्लान किया था कि वो इस इंजन को इतना केबल बनाएंगे कि इसके इस्तेमाल से तेजस एयर क्राफ्ट सुपरक्रूज कर पाएगा सुपरक्रूज करना उस केबेबलिटी को कहते हैं जिसमें कोई भी एक क्राफ्ट सुपरसोनिकली क्रूज कर पाए बिना अपने बर्नर को चलाए इस इंजन को ऐसे प्लान किया गया था कि इसका जो मैक्सिमम थ्रस्ट होगा वो 90 से लेकर 95 फाइव के एन तक का होगा लेकिन ये अपने रिक्वायर्ड थ्रस्ट को मीट नहीं कर पाया ये इंजन अपने 52 टू के एन के ड्राई थ्रस्ट को डेमोस्ट्रेट कर पाया था और 81 वन के एन के आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट को जनरेट कर पाया था यहाँ पर हम इस इंजन के फेलियर के बारे में बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे इस इंजन के फ्यूचर के बारे में इसको बनाने के लिए फ़्रांस के स्नेकमा ने मदद की ऑफर की थी लेकिन उन्होंने इसके लिए ज़्यादा कीमत मांगी थी और इंजन के लिए कोर टेक्नोलॉजी देने से भी मना कर दिया था इसके बाद ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया यहाँ पर आपको बता दें कि हमें ज़्यादा जरूरत इंजन की कोर टेक्नोलॉजी की है जो बाकी टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें डी और जी टी आर ने पहले ही परफेक्ट कर लिया है लेकिन जो कोर इंजन टेक्नोलॉजी है वो कोई भी कंपनी देने के लिए तैयार नहीं है सबसे पहले बात करते हैं कावरी ड्राई इंजन के बारे में ऑफिशियली अभी सिर्फ कावरी ड्राई इंजन ही कावरी इंजन का ऑफिशियली सेंक्शन डेरिवेटिव है इसके लिए ही गवर्नमेंट ने फंड्स जारी किए हैं यह इंजन हमारे घातक अन स्टेल्थ यू कैब के लिए बनाया जाएगा इस इंजन का नाम आई यू कैव यू एच एफ ट्वेंटी रखा गया है ये इंजन हमारे घातक अन कॉम्बैट एरियल व्हीकल में इस्तेमाल किया जाएगा सोर्सेज के मुताबिक इस इंजन की टेस्टिंग बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और अगले तीन सालों तक ये इंजन तैयार हो जाएगा ये इंजन एक नॉन आफ्टर बर्निंग इंजन होगा यानी कि इसमें आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और यह 52 टू का थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा यह नया इंजन एक फिफ्टी के एन क्लास थ्रस्ट वाला इंजन होगा इसमें एक आफ्टर बर्नर नहीं लगाया जाएगा और इसमें एक फ्लैट लो हीट नोजल एग्जॉस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे इसको इस्तेमाल करने वाले एक क्राफ्ट का इनफ्रेड सिग्नेचर काफ़ी कम हो जाएगा डी का प्लान है कि वो इस इंजन के कम से कम तीन से चार ड्राई प्रोटाइप बनाएंगे और इन प्रोटाइप्स की फुल स्पेक्ट्रम ग्राउंड टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद ही इस इंजन को फ्लाई टेस्ट किया जाएगा सोर्सेस ने बताया है कि इस इंजन की ग्राउंड टेस्टिंग कंप्लीट कर ली गई है और अगले दो से तीन सालों में इसका वर्किंग प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा प्रोटोटाइप तैयार हो जाने के बाद और इसकी सर्टिफिकेशन के बाद इस इंजन को हमारे आने वाले 15 टन क्लास वाले स्टेल्थ यू प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा इसके बाद डी ने एक सौ थ्रस्ट वाले इंजन को बनाने का प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया था इसके बाद डी आर ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ऐसा प्रपोज़ल दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक ज़्यादा हाई कैपेसिटी वाला जेट इंजन डेवलप करना चाहते हैं उन्होंने 110 सौ दस के एम थर्स्ट क्लास वाले इंजन को डेवलप करने की बात की थी लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था उनका कहना था कि अभी आप पहले कावरी के ड्राई इंजन की डिवेलपमेंट को पूरा कर कर दिखाएं उसके बाद ही आपको एक नया ज़्यादा पावरफुल इंजन बनाने दिया जाएगा इसके बाद एक ऐसी न्यूज़ आई थी जिसमें ऐसा बताया गया था कि रोल्स रॉयस और डीआरडीओ मिलकर एक जेट इंजन डेवलप करने वाले हैं 2017 में भारत और यूके ने एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसमें दोनों देश मिलकर एडवांस डिफेंस प्रोडक्ट्स डेवलप करने वाले थे जिसमें एक गैंगस्टर बाइन इंजन भी शामिल था अभी दो में इस प्रोजेक्ट के लिए कन्फर्मेशन यूके की तरफ आई थी इसके बाद 2020 में इस इंजन प्रोजेक्ट को लेकर यूके की तरफ से एक कंफर्मेशन आई थी जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि दोनों देश बहुत जल्द मिलकर एक जेट इंजन डेवलप करने वाले हैं लेकिन हमारी भारतीय साइड की तरफ से कोई भी इस बात को लेकर कंफर्मेशन नहीं आई थी रोल्स रॉयस ने ऐसा अनाउंस किया था कि ये जो नया जेट इंजन होगा वो बिल्कुल नया होगा इसमें नया कोर डिज़ाइन होगा और डीआरडीओ और रोल्स रॉयस दोनों मिलकर इस इंजन को डेवलप करेंगे उनके मुताबिक डीआरडीओ इस इंजन को डिवेल्प करेगा जिसमें एक बड़ा फैन इस्तेमाल किया जाएगा जिससे ये इंजन हाई डिस्टोशन को भी टॉलरेट कर पाएगा और इसके साथ ही जी और रोल्स रॉयस मिलकर इसका एक आफ्टर बर्नर मॉड्यूल डिज़ाइन करेंगे यह नया फ़ैन डी द्वारा डेवलप किया जाएगा जिसमें स्टेल्थ फीचर्स होंगे और एंटी आइसिंग सिस्टम होंगे जिससे यह इंजन मॉडर्न फिफ्थ जनरेशन फ़ाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा सोर्सेज के मुताबिक ये जो नया इंजन कोर होगा वो यूरोजेट जेट ई जे टू हंड्रेड लो बाईपास टर्बो फैन इंजन से नहीं लिया जाएगा इस यूरोजेट इंजन को रोल्स रॉयस ने इससे पहले डेवलप किया था और ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि इस इंजन की डेवलपमेंट के लिए शायद रोल्स रॉयस इसी इंजन के कोर का इस्तेमाल करे लेकिन अभी ऐसी जानकारी मिली है कि क्योंकि इस इंजन को बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर डिवेल्प किया है तो रोल्स रॉयस के पास इसके टेक्नोलॉजी राइट्स नहीं हैं और इस इंजन के मल्टीपल आईपी राइट्स हैं और यही कारण है कि जो रोल्स रॉयस नया इंजन बनाएंगी वो बिल्कुल नया बनाया जाएगा और इसके आईपी राइट्स इंडिया के पास होंगे आईपी राइट्स से मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि इस इंजन की टेक्नोलॉजी का पूरा मालिक भारत होगा और हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फ्यूचर इंजन में भी कर पाएंगे रोल्स रॉयस का दावा है कि ये जो नया इंजन कोर होगा वो यूरोजेट ई जे टू हंड्रेड कोर से ज्यादा पावरफुल होगा और ज्यादा एडवांस होगा इस इंजन में नई थर्मल सिग्नेचर मैनेजमेंट होगी और एक नया डीआरडीओ फैन होगा जिससे टरबाइन और एग्जॉस्टेड एयर दोनों को ठंडा किया जा सकेगा यह नया इंजन ज़्यादा इफेक्टिव स्टार्टर जनरेटर का इस्तेमाल करेगा जो कि हमारी भारतीय क्लाइमेट के लिए ज़्यादा सूटेबल है और इस इंजन का जो ड्राई वेट होगा वो एक टन से कम होने वाला है और इस इंजन के कोर और फैन को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि यह हमारी देश की डस्टी कंडीशंस में भी काम कर पाए इस इंजन के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस इंजन का मैक्सिमम थ्रस्ट एक सौ से भी ज़्यादा होने वाला है इसके बाद अब एक सवाल सामने आता है कि हमारे एम सी फाइटर जेट में कौन सा इंजन इस्तेमाल किया जाएगा तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारे एम फ़ाइटर जेट में रोल सॉस द्वारा बनाया गया इंजन ही इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि जो इससे पहले हमें इंजन ऑफर किए जा रहे हैं वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और ना ही उनका थर्मल सिग्नेचर कम है जो कि एक फिफ्थ जनरेशन फ़ाइटर एयरक्राफ्ट में चाहिए होता है यही कारण है कि ये जो नया इंजन होगा ये ख़ास तौर पर फिफ्थ जनरेशन फ़ाइटर जेट्स के लिए बनाया जाएगा और ये हमारे एम फाइटर जेट के लिए एक आइडियल ऑप्शन होगी और एक बार हमारे कावरी ड्राई इंजन की डेवलपमेंट पूरी हो जाने के बाद डीआरडीओ इस नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे खुद के कावरी इंजन को भी डेवलप कर पाएगा जो कि हम हमारे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और हमारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल कर पाएंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद वंदे मातरम